गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो आज आपका हिस्ट्री का सेशन है। देखिए, ये सारा मैंने आपको बताया मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। तो आज भी हम मॉडर्न इंडिया का ही पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वाइस राइज, कौन कौन से वाइस राइज जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और भी क्वेश्चंस है। आप सेशन को देखिए, आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम डील करते हैं। इन हुज वाइस रॉयल टी द बॉम्ब वॉज ब्लास्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। कि आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, न्यू दिल्ली में, बॉम्ब कब गिरा था। कि जो आपका आपको ये बताना है, किसके वाइस राय में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया गया था। तो पहली चीज़ है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब कब गिरा था, पहला क्वेश्चन। देखिए, कई क्वेश्चंस इसमें से निकालने की कोशिश करूंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, कब आपका बॉम्ब निकाल किया गया था, 1929। और अगर देखा जाए तो बटुकेश्वर दल और भगत सिंह, ये थे, इन्होंने जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे जो है आपका बॉम्ब गिराया था। ये किसको, और सबसे पहली चीज़, इनको पकड़ लिया गया था तो बटुकेश्वर दत्त पे तो डिफेंड कर लिया गया था इनको, ठीक है, इनको तो डिफेंड कर लिया गया था। और जो भगत सिंह थे उन पे एक्स्ट्रा केस किसका चला दिया गया, सॉन्डर्स के मारने का, ठीक है। तो ये चीज़ किसके टाइम पे हुई थी, अगर आप देखा जाए तो किसने बोला, जब ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब गिर रहा था या गिराने वाले थे, तो उस टाइम पे वहाँ पे स्पोक्स कौन कर रहा था, विट्ठल भाई पटेल जो है वहाँ पे ये बोल रहे थे, वहाँ पे जो संबोधित कर रहे थे। तो लॉर्ड कैम्सफोर्ड नहीं, 1919, ठीक है। अगर नाइन कैम्सफोर्ड के टाइम पे देखो तो बहुत चेंजेस आई थी, बहुत चीज़ें हुई थी। देखिए, सबसे पहले तो जलियांवाला कांड, रॉल्ट एक्ट, देन आपका नाइन खिलाफत मूवमेंट, ये सारी चीज़ें जो है कैम्सफोर्ड, और जो आपका एक्ट था वो भी बना। और आपको पता है कि इसने डायार्की को यूज़ किया था, ठीक है। तो ये नहीं है, लॉर्ड कर्जन सबसे ज़्यादा 1905 में जो थे, लॉर्ड कर्जन का जो टाइम था ना वो था आपका 1899 से 1905 तक, ठीक है। तो इन्होंने जो है कई यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था ये क्या था, कमीशंस, ठीक है, कमीशंस कमीशन सेटअप किए थे, कोलकाता कॉरपोरेशन बनाई थी, और आपका कॉइनेज एंड पेपर करेंसी, कॉइन्स एंड पेपर करेंसी किसने चलाई थी, आपकी कर्जन ने। तो कॉइनेज एंड पेपर करेंसी पहला, ठीक है, कॉइनेज एंड पेपर करेंसी ये चली। सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल एंड फाउंडेशन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल, और नेक्स्ट जो था दैट इज मेन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये सारा कर्जन के टाइम पे चला। रीडिंग, ठीक है, देखिए कैम्पफोर्ड ने तो 1990 था, रीडिंग जो था 1899 से, इनका पीरियड 1905, रीडिंग का पीरियड था 1921 से 26 तक। तो रीडिंग के टाइम पे सबसे पहली चीज़ तो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 20 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली। चोरा चोरी, ठीक है, 1922 में चला। आपका ककोरी डायकैती, ककोरी डायकैती कब हुई थी, 1925 में हुई थी। तो ये हो गया, 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी, तो ये भी आपका कहाँ पे हो गया, रीडिंग के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। लॉर्ड अरविन का टाइम था 1931, तो 31 में इरविन पैक्ट। आपको 1929 से लेकर इनका जो था 31 तक, तो 29 पे क्या हुआ था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब गिरा था। तो आंसर इज लॉर्ड इरविन। फिर से बता देती हूँ, कैम्पफोर्ड के टाइम पे आपके जितने भी जलियांवाला कांड, रोल एक्ट आपका ये चला था, कर्जन के टाइम पे यूनिवर्सिटी कमीशन्स बैठे थे, विक्टोरिया मेमोरियल को सेटअप किया गया था, आपका जिसको आप बोल सकते हो करेंसी, पेपर करेंसी इन्होंने चलाई थी, और पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे क्या हुआ था, ये 21 से 26 का पीरियड था। सबसे पहली चीज़ तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सेकंड चोरा चोरी मूवमेंट, स्वराज पार्टी का बनना 1923 में,
देन उसके बाद ककोरी डायकैती 1925 में हुई, तो ये सारा रीडिंग के टाइम का है। लॉर्ड इरविन, इरविन पैक्ट, महात्मा गांधी और इरविन 1931, एग्जीक्यूशन ऑफ तीनों, भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, तो ये हुए राजगुरु। तो उसके बाद इरविन पैक्ट के टाइम पे ही, क्योंकि 29 पे जो है आपका वो गिरा था, बॉम्ब गिरा था, तो उस टाइम पे जो वाइस राय थे वो कौन थे, आपका बॉम्ब कब गिरा था, 1929, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, तो कहाँ पे गिरा था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट, उन इन हुज वाइस रॉयल्टी रॉयल्टी द हिंदू महासभा वॉज इस्टेब्लिश, हिंदू महासभा किसके टाइम पे इस्टेब्लिश की गई, तो लॉर्ड कर्जन अभी किया है, तो आई होप कि आपका क्लियर होगा। लॉर्ड मिंटो, ये आए थे 1909 में। लॉर्ड मिंटो का भी देख लीजिए, इनका जो था 1905 से शुरू हुआ, तो स्वदेशी मूवमेंट सबसे पहली चीज़ तो यही हुई, स्वदेशी मूवमेंट, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की फाउंडेशन 1906 में जो कि ढाका में हुई थी, वो भी मिंटो के टाइम पे हुई। सूरत स्प्लिट 1907, ठीक है, और न्यूज़पेपर एक्ट जो था वो भी 1908 में। तो ये याद रखिए, 1905 से, अगर इनका जो पीरियड था 1905 से लेकर 1909 तक, तो सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट 1905, आपका स्वदेशी मूवमेंट आया 1905, फिर बनी मुस्लिम लीग 1906, फिर 1907 में आया सूरत स्प्लिट हुई, और 1908 में आया आपका न्यूज़पेपर एक्ट, और 1909 में आपका मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जिसमें सेपरेट कॉम्यूनलेट, फिर से बता रही हूँ, 1905 में सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट बनी, फिर 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1907 में आपका जो है न्यूज़पेपर, आपका सूरत स्प्लिट, फिर 8 में आपका कौन सा आया, न्यूज़पेपर एक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि 5 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट 1907 में हुई, मुस्लिम लीग 6 में बनी, स्वदेशी मूवमेंट 5 में आई थी, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 जिसमें सेपरेट कॉम्यूनलेट की बात हुई थी, वो कौन था। अब आता है लॉर्ड हार्डिंग, इनका टाइम जो था 1911 में, सबसे पहली चीज़ तो कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल करना, ठीक है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन ने किया था उसको एन्यूल करना, ख़त्म करना, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, जो जॉर्ज फाइव थे उनका कॉरोनेशन हुआ गया था, और आपका जो है देखा जाए तो हिंदू महासभा किसने 1915 में बनी थी, तो ये किसने बनाई थी, इन्हीं के टाइम पे बनी थी, तो महासभा किसने बनाई थी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और साथ में वीडी सावरकर, ठीक है, 1915, तो आंसर इज लॉर्ड हार्डिंग। कैम्सफोर्ड भी हम कर चुके हैं, फिर से कह रही हूँ, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे सबसे पहले तो पार्टीशन ऑफ बंगाल बंद हुआ था, दिल्ली कैपिटल बनी थी, और हिंदू महासभा जो कि मदन मोहन मालवीय और वीडी सावरकर इकट्ठे बनाई थी, तो वो कौन थे आपके, किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग टू के शासनकाल में। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द गवर्नर्स काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे एंड मद्रास, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद बॉम्बे और मद्रास में गवर्नर की परिषदें बनी थी। पिट्स इंडिया एक्ट में मेंबर्स को बढ़ा दिया गया था, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833, अगर हम चार्टर एक्ट 1833 की बात करें, तो यहाँ पे पहले तो पावर्स जो थी वो रेवेन्यू के बेसिस पे आई थी, ठीक है, सिंगल बजट बनना शुरू हो गया था, ठीक है, मिनिस्टर्स जो थे आपके लॉर्ड मिनिस्टर्स कर दिए गए थे, और सबसे बड़ी चीज़ गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो किस में चेंज हो गई थी, इंडियन काउंसिल में, तो ये नहीं है, पिट्स इंडिया नहीं है। आर्टिकल 1813, आर्टिकल 1813 में जो है ऑटो ट्रेड मोनोपोली जो थी वो बंद हो गई थी, ठीक है, उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज जो है शुरू हो गई थी, तीनों काउंसिल्स का जो था वो पार्टिसिपेशन जो था आपका इस्टेब्लिश हो गया था, काउंसिल्स जो थी वो इनलार्ज कर दी गई थी, लेकिन इसमें जो है गवर्नर्स काउंसिल्स जो सबसे पहले इंस्टॉल्ड की गई थी वो थी रेगुलेटिंग एक्ट में, गवर्नर काउंसिल्स बनी, क्योंकि यहीं पे आपका गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था, तभी जाकर ये आपकी काउंसिल्स बनी थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, जब आपकी एक है
13 में जो था उसमें पावर्स, यहाँ पे बोला है इस्टेब्लिश की गई थी, पावर्स जो आई थी वो 1813 में आई थी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफीटेड हैदर अली। हैदर अली, आपको पता है चार मैसूर वॉर्स हुई थी। ठीक है, चार मैसूर वॉर्स जिसमें से जो पहली हुई थी आपकी फर्स्ट, ठीक है, उसमें क्या था, मोजन जो थे ये अमेरिकन वॉर के थे, ठीक है, जॉन बेगविल नहीं थे। वॉरन हेस्टिंग या आयरफूट, वॉरन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इनको तो छोड़ दीजिए। इन्होंने जो है, अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ है, जिन्होंने गीता की इंट्रोडक्शन जो थी इंग्लिश में लिखी थी, जो कि चार्ल्स विल्किंसन द्वारा लिखी गई है। निज़ाम अदालत जो कि डिस्ट्रिक्ट में सदर अदालत इन्होंने शुरू की, तो ये याद रखना, ये है दीवानी अदालत, फौज अदालत, तो ये नहीं है। आंसर इज आयरकूट। क्या था कि हैदर अली के टाइम पे जो हैदर अली ने किसके साथ, माहे के साथ जो है, माहे यानी आपका पुडुचेरी के आसपास जो है, इन्होंने उसके साथ अलाइंस कर लिया था। ठीक है, फ्रेंच से स्ट्रॉन्ग, फ्रेंच पावर से स्ट्रॉन्ग ले लिया था, क्योंकि उनके पास गन आर्टिलरी बहुत ज़्यादा थी। देन उसके बाद देखा जाए तो हैदर अली ने जब इनका पार्टिसिपेट लिया तो उन्होंने मराठास के साथ अलाइंस कर लिया ताकि ब्रिटिश को नीचा दिखा सके। लेकिन ब्रिटिश ने इनके साथ जो है, क्योंकि इन्होंने निज़ाम्स को भी अपने हाथ में कर लिया, सबको कर लिया, लेकिन ब्रिटिशर्स की एज़ यूजुअल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको हटा दिया गया, जिसकी वजह से हैदर अली की जो, मतलब हैदर अली हार गए थे। ठीक है, तो जो इन्होंने हैदर अली को हराने वाले कौन थे, आयरकूट, और 1782 में जो है इनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ कैंसर, तो आयरकूट। द सोशल सर्विस लीग जो है वॉज फाउंडेड बाय, सोशल सर्विस लीग जो है इसको फाउंड किसने किया था। ठीक है, तो सोशल सर्विस लीग जो है, विवेकानंद नहीं, बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन 1893, तो ये गोपाल कृष्ण ने हितेवाड़ा लिखी। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, दैट इज 1905 में, तो ये नहीं है। मदन मोहन मालवीय जो थे, इन्होंने 1909 में लाहौर में जो है आपका क्या किया था, सेशन लिया था, कांग्रेस सेशन लिया था, जिसमें मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स का इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बना था। तो आंसर इज नारायण मल्हार जोशी, आंसर इज नारायण मल्हार जोशी। मोपला रिबेलियन इन केरला टुक प्लेस इन, मोपला रिबेलियन कब हुआ था, 1921, 1932, 1925। देखिए 1925 में तो कानपुर में सरोजनी नायडू ने, कानपुर से इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था, सरोजनी नायडू ने। 1919 में जलियांवाला कांड, रोल्टैक्ट, खलीफा, खिलाफत मूवमेंट। 1932 में पूना पैक्ट और कॉम्यूनल एक्ट, कॉम्यूनल अवार्ड, तो आंसर इज 1921 में जो है मोपला आपका आता है। दीज आर, और ये कहाँ पे हुआ है, आर्म्ड रिवॉल्ट है, जो कि कहाँ पे हुआ था, केरला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, केरला में हुआ था। ठीक है, और इसको लेने वाले कौन थे, वेरायकुंठ, जिसके मेन लीडर थे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड बाय बहराम जी मालाबारी इन मुंबई। बहराम जी मालाबारी मुंबई के द्वारा शुरू की गई क्या थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये किसने की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो दादा भाई नरोजी ने शुरू की थी। ठीक है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए थे। पॉवर्टी इन्होंने लिखी, तो ये नहीं है। बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी, बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी जो थी ये किसने की थी, ये की थी जेम्स मैकिंटोश ने, जेम्स मैकिंटोश, मैकिंटोश, तो ये नहीं है। आंसर इज सेवा सदन, आंसर इज सेवा सदन, जो कब मिला था, 1885 में। ठीक है, 1885 में एशियाटिक सोसाइटी बनी थी 1884, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब बनी थी, 1866। ये याद रखना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी 1804, सेवा सदन 1885। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उल गुलन और ग्रेट तुमुल्त इज द
इंस्क्रिप्शन सॉरी डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, कि ये जो आपके इवेंट्स थे उलगुलन, ये जो है ना मेरे ख्याल से तहसील वेलफेयर ऑफिसर में ये क्वेश्चन आया था, उलगुलन क्या है? तो रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये तो कई इसमें सबसे पहले सतारा आई थी, मेन रीजन क्या था, कार्टेजेस जो थी वो फैट्स की बनाई जा रही थी तो ये नहीं है, और टॉर्चर किया जा रहा था, सब्सिडारी लेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो मेजर जो थे इसके रूलर्स हमने किए हैं मंगल पांडे, आपका बहादुर शाह कानपुर से, दिल्ली से, लखनऊ से, तो ये सारे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत बल, जगदीशपुर से आपके, ठीक है, तो ये सारे थे रिवोल्ट ऑफ 1857, फिर भी ये फेल हो गया था क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं थी, पर ब्रिटिश क्राउन जो था पूरी पावर किसके पास आ गई थी, ब्रिटिश के पास आ चुकी थी, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था, तो ये सारा है। इंडिगो प्लांट रिवोल्ट क्या था, इंडिगो प्लांटर्स के लिए था, कि जबरदस्ती हमसे लोगों से नील की खेती को फोर्स किया जा रहा था, ठीक है। मापिला रिबेलियन जो होता है दैट इज मोपला रिबेलियन, जो कि केरला में था, तो ये नहीं है, आंसर इज बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा रिवोल्ट जो था 1899 और 1900 का, इसको बोलते हैं उलगुलन और ग्रेट तुमुल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विट्टल विद्वंस सक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल्स हैज इट्स फर्स्ट टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश्ड बाय, ये जो है ये किसने किया? देखिए मोहनदास करमचंद गांधी ने आपका हरिजन, ठीक है, यंग इंडियन, ये सारे इन्होंने दिए हैं, ठीक है, ज्योतिराव फुले, तो ज्योतिराव फुले जो थे इन्होंने कौन सी सत्यशोधक समाज की स्थापना की है, सत्यशोधक समाज कब, 1873, ठीक है, इनको महात्मा भी बोला गया, तो ये जो थे पहले थे जिन्होंने दलित वर्ड यूज किया था, फर्स्ट पर्सन टू यूज दलित इज ज्योतिबा फुले, और इन्होंने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया था, ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज आपका क्या आएगा इसका आंसर, जिन्होंने ये किया था वो थे गोपाल बाबा वालंकर, भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक लिखी थी, तो ये नहीं है, ठीक है, तो ये क्या आएंगे आपके, गोपाल बाबा वालंकर जो थे, ये फर्स्ट मंथली जर्नल विट्टल विध्वंसक जो था वो गोपाल बाबा लिखा था, भीमराव ने मूक नायक लिखा था। हु एस्टैब्लिश शारदा सदन अ स्कूल ऑफ इंडियन विडोज इन कॉलोनियल इंडिया, किसने शारदा सदन की स्थापना की थी? देखिए एम जी रनडे प्रार्थना सभा, ठीक है, किसके पॉलिटिकल गुरु थे ये, गोपाल कृष्ण गोखले के, तो ये नहीं है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875, मूल शंकर, तो ये नहीं है, सरोजनी नायडू फर्स्ट गवर्नर राइट, इंडियन गवर्नर, ठीक है, फर्स्ट वुमेन इंडियन गवर्नर रह चुकी हैं। दूसरा, जब आपकी डांडी यात्रा जब शुरू हुई थी तो उस टाइम पे महात्मा गांधी के साथ किसने पार्टिसिपेट किया था? सरोजनी नायडू, जिनको नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, आंसर इज पंडिता रामाबाई, जिसने शारदा सदन शुरू किया, और कब शुरू किया? बॉम्बे में शुरू किया 1889 में, आंसर इज 1889, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द रूलर ऑफ डेली व्हेन अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पहला क्वेश्चन यहाँ से निकालिए कि तीसरी बैटल ऑफ पानीपत, तीसरी लड़ाई पानीपत की कब हुई थी, 1761, किसके बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में, पहली कब हुई थी 1526, दूसरी कब हुई थी 1556, 1526 में बाबर के बीच में हुई थी, इब्राहिम लोधी जिससे मुगल एम्परर बने थे, मुगल एम्पायर आया था, 1556 हेमू और बहराम खान के बीच में हुई थी, अकबर का रिप्रेजेंटेटिव था, शाह आलम टू जिसके बीच में कौन सी हुई थी आपकी बैटल ऑफ बक्सर, ये नहीं है, जहांदर शाह जिसको जो है फर्ग्यूसन की हेल्प से, या आप इसको बोल सकते हो जहांदर शाह जिसने जुल्फिकार की हेल्प से जो था गद्दी पे बैठा था, और इसने अबॉलिश की थी जजिया को, ख़त्म इसने किया था, दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किसने किया था, औरंगजेब ने, ठीक है। मोहम्मद शाह, इसको रोशन अख्तर भी कहते हैं और रसीला रंगीला रूलर कहते हैं,
यह हमेशा शराब वगैरह में धुत रहता था। इसी के टाइम पे नादिर शाह जो था उसने इंडिया पे इन्वेड किया था और कोहिनूर और तख्ते ताज लेकर गया था। तो आंसर इज आलमगीर टू। आंसर इज आलमगीर टू जो था इसके टाइम पे जो है आपका, देखिए आलमगीर टू के टाइम पे जो है आपके अहमद शाह अब्दाली जो है इंडिया पे आए थे। तो ये नहीं है, ये नहीं होंगे। आंसर इज शाह आलम टू के टाइम पे जो है आपका अहमद शाह अब्दाली जो थे इस पे आए थे। ठीक है, ऑक्यूपाई दिल्ली पे किया था अहमद शाह अब्दाली ने। आलमगीर के टाइम पे दिल्ली पे कब्जा किया था, लेकिन शाह आलम टू के टाइम पे उन्होंने किसको, बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच जब हुई थी तो उस टाइम पे जो रूलर था वो कौन था? शाह आलम टू। आंसर इज शाह आलम टू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शाह आलम टू। ये नहीं है, ठीक है, आंसर इज शाह आलम टू। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड मराठी फोर्ट नाइटली न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत? बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया? विनोबा भावे? नहीं, आपका लोकमान्य तिलक। तो देखिए लोकमान्य तिलक अगर हम बात करें वीर सावरकर की, तो इसने बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लोकमान्य तिलक ने जो है आपका कौन सी न्यूज़पेपर लिखा था? लोकमान्य तिलक ने भी लिखा था आपका, इसका नाम है लाला लाजपत राय ने लिखा था पीपल। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने तो केसरी और मराठा, केसरी और मराठा लिखा था। लाला लाजपत राय को भी अगर हम याद करें तो उन्होंने लिखा था पीपल। ठीक है, कहाँ से लिखा था? लाहौर से लिखा था। विनोबा भावे? नहीं, आंसर इज आपका B.R. अंबेडकर, जो कि वॉइस ऑफ अनटचेबल्स था 1927 में लिखा था। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वाइस राय ऑफ इंडिया वेन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वॉज पास्ड? 1904 यूनिवर्सिटी एक्ट जब पास हुआ था उस टाइम पे वाइस राय कौन थे? लॉर्ड डफरिन? नहीं, लॉर्ड डफरिन नहीं थे। ठीक है, वो 1885 के इसके टाइम पे कौन सी, क्या बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको किसने बनाया था? A.O. ह्यूम ने। और पहला सेशन कहाँ पे लगा था? पहला सेशन लगा था आपका बॉम्बे में, जिसमें पहले प्रेसिडेंट कौन थे आपके 1885 के? W.C. बनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे जो है सिविल सर्विसेज और इंडियन अफगानिस्तान वॉर, तो ये नहीं है आपका। लॉर्ड मिंटो कम्युनल इलेक्ट्रोलेट, तो ये नहीं है, ये 1909। यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में बना, तो ऑब्वियसली लॉर्ड कर्जन जो थे उस टाइम के वाइस राय थे। लाहौर वॉज रंजीत सिंह पॉलिटिकल कैपिटल, विच सिटी वॉज कॉल्ड हिज रिलीजियस कैपिटल? रिलीजियस कैपिटल किसे कहा गया? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, या पेशावर, या गुजरांवाला? तो लाहौर वॉज द, अगर देखा जाए इसकी पॉलिटिकल कैपिटल थी, तो इसकी रीजनल कैपिटल, रिलीजियस कैपिटल किसको बोला गया? पेशावर। किसको बोला गया आपका? पेशावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो प्रॉपरली मैच नहीं है? तो अगर हम देखें लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ले सब्सिडायरी अलायंस, इंडियन काउंसिल एक्ट। देखिए लॉर्ड कर्जन ने जो है आपका बंगाल का पार्टीशन दिया, यूनिवर्सिटी एक्ट दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके टाइम पे आया था? लेटन के टाइम पे। और इसको रिपील किसने किया था? लॉर्ड रिपिन ने, जिसको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस भी बोलते हैं। और बिंदो वॉज अरेस्टेड, और बिंदो जो है ये कब अरेस्टेड हुए थे? इन कनेक्शन विद काकोरी डकैती जो थी, वो ट्रेन की डकैती थी, 1925 में हुई थी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो था ये आपका कब चला था? ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है आपका 1928 और 31 के बीच में हुआ था, जिसमें क्या कहा गया था, जो आपके चंद्रशेखर आज़ाद, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जितने भी लीडर्स थे, वो किसको मारना चाहते थे? सॉन्डर्स को, जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी जब साइमन कमीशन आया था लाठीचार्ज। तो उसका बदला लेने के लिए जो है वो जेम, गलती से कौन मर गया था? सॉन्डर्स, जिसकी वजह से जो है
इन पे जो है केस भी चला था, ठीक है। तो ये नहीं है, कोल्हापुर 1911 में हुआ था, ठीक है। ये जो था, ये था प्रफुल चक्की और बटुकेश्वर दत्त। इसका जो नाम था प्रफुल चक्की और आपका खुदी राम बोस, ठीक है। इसमें क्या था कि ये किसको मारना चाहते थे, किंग्स फोर्ड को मारना चाहते थे। ये कॉन्स्पिरेसी जो थी वो किंग्स फोर्ड को मारना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि किंग्स फोर्ड तो नहीं मरा, बट फीमेल्स जो थी वो काफ़ी वो हुई थी इसमें, ठीक है। ये जो है आपका अरबिंदो, दैट इज अलीपुर बॉम्बे केस, ये जो था आपका अलीपुर, जिसमें आपका 1921, ठीक है, 1928 में हुआ था। कोल्हापुर जो था ये, सॉरी, कोल्हापुर जो था ये लॉर्ड कर्जन का था। प्रफुल चक्की और खुदीराम बोस जो थे वो किंग्स फोर्ट को मारना चाहते थे, ये अलीपुर से रिलेटेड है। तो कोल्हापुर जो था ये किससे रिलेटेड है, 1911, जो कि लॉर्ड कर्जन को मारना चाहते थे यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना। बट ये नहीं हुआ, ये भी कैंसिल है। आपको क्या याद रखना है कि अलीपुर बॉम्बे के बॉम्ब केस जो था, ये अरविंदो, ये बाद में कहाँ चले गए, पुडुचेरी चले गए थे, ठीक है। पुडुचेरी वहीं पे सेटल हो गए जब इनको स्टेट, मतलब ये भाग आए थे, तो उसके बाद इनको जो है कहाँ पे, पुडुचेरी ये चले गए थे। फिर से कह रही हूँ, और बिंदो वॉज अरेस्टेड इन अलीपुर बॉम्बे केस, जो कि 1928 में हुआ था, जिसमें जो है इसके साथ प्रफुल चक्की और आपका खुदीराम बोस भी थे, जो क्या करना चाहते थे, किसको मारना चाहते थे, किंग्स फोर्ड को, लेकिन गलती से फीमेल्स मर गई। और इसके बाद जो है अरबिंदो को अरेस्ट कर लिया गया। अरबिंदो जो थे वो बाद में कहाँ चले गए, पुडुचेरी, वहीं सेटल हो गए, पुडुचेरी आश्रम, अरबिंदो आश्रम के नाम से। लॉकर कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, 1928 में कहा जाता है कि जेम्स स्कॉट को मारने की बजाय सॉन्डर्स को गोली लगी थी, जिसके कारण जो है इनको, जो आपके चंद्रशेखर आज़ाद थे ये थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो पकड़े नहीं गए थे, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। उनका पार्क भी है आज़ाद पार्क, ठीक है। ककोरी डकैती जो थी वो राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी, और वो कहाँ पे थी आपके, उसके साथ भगत सिंह भी थे। ककोरी डकैती ट्रेन की डकैती थी, जो कि 1925 में हुई। कोल्हापुर जो था वो 1911 में हुआ। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन द ईयर 1911, किस जगह पे जो है आपका नेशनल एंथम किसने लिखा है, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब लिख लिया था, 1911 में, लेकिन इसको एक्चुअली में कहाँ कब गाया गया था, 26 जनवरी 1950 में। तो जब नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन एट द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जब वो सेशन हो रहा था, तो वो कहाँ पे हो रहा था, कोलकाता में। कहाँ पे हो रहा था, कोलकाता में। नेक्स्ट, द पोर्टुगीज गवर्नर हु अबॉलिश सती इन गोवा, सती प्रथा को गोवा में ख़त्म करने के लिए सबसे पहले पोर्टुगीज कब आए थे, 1498 में आया था। कौन आया था, वास्को डिगामा आया था, और ये जो है ये कहाँ पे आए थे, कालीकट में, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि ये पोर्टुगीज गवर्नर हु अबॉलिश सती इन गोवा इज ये है गैब्रियल नहीं है, अल्माइडा नहीं है, डी ब्रिगेंजा नहीं है, ठीक है। तो ये सेशन था, अगर कोई बोलने में दिक्कत हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगी। और अगर सेशंस, आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे भाई, इज़ इट टफ और इज़ इट इजी? आपके लिए इजी हो सकते हैं, क्योंकि आप मेहनत बहुत करते हो। तो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आप लाइक कीजिए, फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता के नाम से फॉलो कीजिए, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। तो आज से आपके सेशंस को हमने चेंज किया है, उन सेशंस के साथ बनिए, क्योंकि ये सारे सेशंस आपके लिए फ्रूटफुल है, चाहे वो HS का कैंडिडेट है, चाहे वो आपका इसका फॉरेस्ट गार्ड का है। देखिए, जो सारे आपका 11 से 12 का सेशन है ना, उस सेशंस को, जो सुबह एक सेशन लग रहा है उस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। वो जो सेशंस है उसमें प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ दिन प्रीवियस पेपर्स हैं, कुछ दिन आपके रीसेंट क्वेश्चंस हैं, विद टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो वो MCQs देखिए, आपका एक तरह से डिटेल क्लास आप 8 से 9 बजे देखिए HPGK की, और जो क्लास आपकी MCQs की है ना, वो कोई
इजी क्लास नहीं है, इट्स अ वेरी टिपिकल क्लास जिसमें आपके साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डील कर रहे हैं. आपका क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, एक साइड आपकी डिटेल तैयारी होगी, एक साइड आपका एचपी जीके तैयार हो रहा है. तो एक तरह से आपकी एचपी जीके की प्रॉपर तैयारी करवाई जा रही है. तो सेशंस को जितना हो सकता है उसको शेयर कीजिए. वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए नहीं है, वो ईच एंड एवरी कैंडिडेट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एचएएस उसके लिए वो सेशंस चल रहे हैं. तो 11 से 12 का सेशन देखिए, फिर आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे एक सेशन है आपका. तो एक सेशन आपका होगा, देखिए हमने कोशिश की है 8 से 9 आपको कंपाइल कर दें. टाइम टेबल जो है वो प्रॉपरली आपको दे दिया गया है, तो उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए. 11 से 12 आपकी क्लास है, 12 बजे आप रेस्ट कीजिए, जो भी करना है. 1:30 से 2 बजे आपकी रीजनिंग चल रही है, ऑल्टरनेट डेज है, रीजनिंग करिए. फिर उसके बाद आपका इंग्लिश सेशंस जो हैं वो अभी तक मैंने होल्ड पे डाले हैं, प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं वो चलिए. फिर उसके बाद जो है हम, क्योंकि अभी थोड़ा प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है या इतना काम करना है या उतना, तो कई सेशंस को जब कंपाइल हो जाएंगे, जैसे रीजनिंग और हिंदी अगर ख़त्म होती है तो मैं उस चीज़ के साथ आपका इंग्लिश का कवर करूँगी. पर अभी तक मैंने रखा है कंटेंट, हो सकता है मैं अभी डिलीवर नहीं किया है उसको, बट अगर होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप उसके वैसे प्रैक्टिस सेशंस देख सकते हैं. नेक्स्ट आपका 5 बजे का सेशन एज यूजुअल जो चलता है वो चलेगा. 8 बजे आपका हिमाचल जी के है, वो भी चल रहा है, उसको नहीं चेंज किया है. बाकी सेशंस आपके साथ जुड़े हैं, प्लीज़ उन सेशंस, सभी सेशंस जो हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर इन बीच में मुझसे कोई गलती या आपको लगता है मैम ने कुछ गलत बोल दिया, तो इतना समझ लेना कई बार जो होता है दिमाग एक जगह लगता है, तो कई बार हमसे बोलने में गलती हो सकती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूंगी. आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपको ठीक कर दूंगी. पर अगर आपका भरोसा रहा तो आपका साथ मेरे लिए ज़रूरी है. अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए. कोई गलती लग रही है, या आप ये भी बोल सकते हैं मैम अच्छा नहीं पढ़ा रहे, कोई फ़ायदा नहीं है, आप ये भी बोल सकते हो. ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना, और नीचे कमेंट सेक्शन पे आप बोल सकते हो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये इसको ठीक कीजिए, मैं कोशिश पूरी करूँगी. पर उसके लिए थोड़ा टाइम धीरे धीरे लगेगा, क्योंकि एकदम से ये चीज़ है. फिर आने वाले टाइम पे अगर आपका सपोर्ट बनता रहे तो हम बहुत जल्दी लाइव भी आएंगे, पर लाइव आने के लिए आपका साथ चाहिए. अब आप कितना साथ दे रहे हैं ये आपको पता होगा. ठीक है, तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे. लाइक शेयर करना मत भूलना. वीडियो को जब देखते हो ना, मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब होता है कि जितने लोग देखते हैं वो लाइक नहीं करते, वो सिर्फ देखने आते हैं. तो प्लीज़ जो भी देख रहा है वो वीडियो को ज़रूर लाइक करें. आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब करना, आपका शेयर करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी. बाकी सेशंस में भी जुड़िए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए.